चैनल प्रिया की राजा बहू एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बाप रे कितना इको इको हो रहा है ना। हाँ इको तो होगा ही। हाँ वैसे तो हमारे घर पे ऐसे होते नहीं थे, लेकिन मतलब ये घर तो खाली खाली है ना, सब सामान जो है दूर दूर पे है। हाँ तो इसलिए इको इको जैसा आवाज आ रही है मुझे, ऐसा लग रहा है नया घर जैसे आवाज होती है वैसा लग रहा है। ठीक है तो गाइस हम लोग तो आ चुके हैं, आप लोग तो मतलब बैकग्राउंड देख के समझ सकते हो कि हमारा तो वो घर नहीं है ये, तो हम शिफ्ट हो चुके हैं। एक्चुअली गाइस मतलब आप लोग तो मतलब जो पिछले ब्लॉग हमने शेयर किया है उधर तो दिखाए ना, मतलब चीज़ जो है शिफ्टिंग हो गए है, तो उधर ना अभी मतलब रहने का लायक नहीं, रहने के लायक नहीं है वहाँ। हाँ जो है हम लोग आज आ गए हैं, मतलब शाम को आ गए हैं। ठीक है और कुछ सामान अभी भी है वहाँ। हाँ कुछ सामान तो अभी भी रह गए हैं, वो सब हम धीरे धीरे फिर जाके उधर शिफ्टिंग करना होगा तो कर देंगे। लेकिन उधर मतलब टाइगर को लेकर हमें दिक्कत होने लगे थे क्योंकि उधर धुला धुला हो गए थे और टाइगर तो मतलब उधर धुले में ही खेल रहे हैं, वो तो इन्फेक्शन तो हो सकते है कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि पूरा एकदम धुला धुला हो रहे थे टाइगर तो उसको देख के। और वैसे तो वो लोग जानते हो ना हमेशा इसे चाटते रहते हैं, खुद को बातिंग करते रहते हैं, तो धुला पेट में जाएगा फिर इन्फेक्शन होगा। इस तरह से मैं राजा जी को बोली कि हम पहले शिफ्ट हो जाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या। वहाँ पे कुछ है नहीं अभी, थोड़ा बहुत ही सामान है। हाँ, वो सब कर देंगे, बेड है फिलहाल तो रहेंगे यही। हाँ तो राजा जी का बेड रख के आए, सब खोल खोल के सब खाली। हाँ गाइस तो वो सब तो शिफ्ट करना है, करेंगे जा जाके। ठीक है तो फिलहाल हाँ जाना पड़ेगा, अभी रात को यही रहेंगे। हाँ दिन में तो काम पे ही चले जाते हैं हम लोग, तो दिक्कत नहीं होगा, रात को यही रहेंगे। और उसके बाद जो है कभी कभार वहाँ पे जाके जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता इन दिनों में, वो सब कंप्लीट करना चले होगा। आएंगे। हाँ तो गाइस चलो अभी तो हम लोग यही पे रहेंगे, यहाँ पे आप लोग हाँ देख जो है पहला मतलब ये जाने का पहला ब्लॉक है इस घर से। हाँ तो ठीक है देखते हैं कैसे कंटिन्यू करते हैं नहीं करते हैं। और अभी क्या अभी क्या गाइस थोड़ा थोड़ा मन जो है प्रिया का उदास है ऐसे इन दिनों में। प्रिया तो बहुत मेहनत की है ना, उसको देखो हाल देखो आप लोग, अपनी अपनी कोई मतलब तैयारी नहीं की है प्रिया, इतना काम की इतना करके कि बहुत मतलब अब चेहरा ही देख कर लग रहा है तुम तो। लेकिन यहाँ पे आ गई हो ना, अभी वो पूरा काम हो जाएगा उसके बाद फिर तुम। हाँ धीरे धीरे ठीक होंगे। नहीं गाइस सच में मैं ना थकावट बहुत है ज्यादा मतलब आप लोग सोचोगे इतना क्या मेहनत, नहीं यार बहुत मेहनत, मतलब ये मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखा रही हूँ मामा जी का घर का, ये मतलब ये घर क्या था ये तो आप लोग खुद ही देख दिखाई मैंने। ठीक है तो उससे मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किए हैं, तो इतना काम था ना मतलब क्या हुआ, तो कोई तो कौन करेगा राजा जी उतना नहीं कर सकते। और मेरी मम्मी एक दिन आई थी उसके बाद ये पोछना साफ करना सब की, मतलब साफ सफाई पे चीजों को यहाँ से वहां। हाँ इधर का काम तो था ही और मेरी उधर का पूरा फुल पैकिंग सब कुछ यार, मतलब मैं तो एकदम गई पूरा एकदम मेरा मतलब क्या बताओ यार। आप लोग अगर मुझे समझ सकते हो या फिर देख के समझ रहे हो कि मतलब मेरा हालत एकदम खराब है, काम करते करते ना एकदम से पूरा गई यार मेरा कुछ नहीं रह रहा है। कुछ नहीं बाकी है बस हो जाए उसके बाद जो है यहीं पे आराम से तुम। तुम्हारी वजह से तो मेरी जिंदगी जो है एकदम से बर्बाद हो गई यार, क्या बताओ तुम्हें। ऐसा किस्मत में जुड़ा है कि ये सब हो रहा अभी है। इस घर में सोचो कि मेरी जिंदगी बर्बाद मत करना तुम, वैसे तो तुम तो मेरी जिंदगी जो है ऐसे ही बर्बाद करते हो, सोचो के इस घर में मत करना, मैं पहले से बोल रही हूँ गाइस आप लोग इनको बता देना। इस घर में हम थोड़ा कुछ अलग कुछ करेंगे ठीक है। हाँ ज्यादा मत सोना। नहीं 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 हाँ इस घर में एकदम जगह रहना। इधर कितना जगह खाली कर दिया मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, फुल तो दिखाएंगे। इधर राजी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ एक्सरसाइज करोगी। ये देखो एरिया वाला खोल खा के कितना अच्छे से धूप पाएगा, यहाँ पे कितना स्पेस है तो कर सकते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है तो गाइस चलो अभी फिलहाल आप लोगों को पूरा व्यू दिखाते हैं घर का और कैसे मैंने इधर उधर मतलब सुंदर से कुछ आए हैं। हाँ सुंदर से कुछ आए ठीक है सेटअप किए हैं सब कुछ आप लोग देखो। ठीक है उसके बाद चाय वाय नाश्ता पीते हैं, उसके बाद डिनर पे क्या बनाएंगे दिखाएंगे। ठीक है एक एक करके सब होगा। चलो गाइस आप लोग हमारे साथ रहो हमारे और क्या और कुछ नहीं, फटाफट तुम ये एक बार व्यू दिखा दो उसके बाद जो है चाय बनाओ। हाँ लग रहा है अभी मुझे ठीक है तो चलो
ये देखो गाइस, आज तो हम ये मूढ़ी मखाई खाएंगे। ये चनाचूर लाए राय जी, मीठा चनाचूर है और मूढ़ी तो था ही घर पे, तो मूढ़ी और चनाचूर। और ये देखो ये वाला, देखो ये बिस्कुट ना, ये इसको बोलते पोजावती बिस्कुट, ये मैं बचपन में खूब खाती थी, तो राय जी आज मेरे लिए लाए हैं। और ये तो चाय है, ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा ये चाय वाय पी लेते हैं, ठीक है। चलो गाइज, अभी आप लोगों को फुल व्यू दिखाते हैं मामा जी का घर का, ठीक है। तो गाइज ये तो बेडरूम है, ये ना मामा जी का, मतलब मेरे भाई रहते थे इस घर में, तो ये भाई का रूम है। और ये तो दोनों बेड को मैंने जोड़ा है, ये अलग अलग था तो सेपरेट था, मैंने इसको जोड़ दिए है। और गाइस ये देखो, ये है हम दोनों, क्योंकि हम जब तक इस घर में हैं तब तक ये वाला रूम तो हमारा ही है, तो इसलिए मैंने वो फ़ोटो रखी। और थोड़ा वो देखो इधर उधर ना, थोड़ा सा मैंने हमारे जो चीज़ है अभी तक तो मैं सेटअप नहीं कर पाई, तो इधर मैं रख दी। और गाइस ये तो मेरा ब्लॉगिंग किट्स है, सब कुछ है। तो ये देखो ये वाला भी एक है, इसको मैंने यहाँ पे ही रखे है। और गाइस देखो रूम कुछ इस तरह से दिख रहा है, अभी अभी तो बस हमें इस रूम में रहना है। ये देखो यहाँ पे एक मिरर है, तो अभी तो मुझे वो छोटा सा मिरर देखना नहीं पड़ेगा, जब तक हो इस घर में तो इस मिरर से मेरा काम चल जाएगा। तो ये देखो रूम कुछ मैंने इस तरह से सजाए है अच्छे से सब कुछ। और गाइस चलो आप लोगों को हॉल रूम दिखाते हैं। ये देखो हॉल रूम, तो गाइस मतलब क्या बताऊँ, पूरा भरा था, आप लोगों को दिखाई मैंने। तो देखो चीज़ तो इधर उधर में मामा जी का है, तो ये सब तो मैं हटा नहीं सकती हूँ, तो इसको थोड़ा बहुत सेटअप करके रखी हूँ जितना हो सके। तो ये हॉल का एरिया देखो, यहाँ पे बेड वेड था सब कुछ मैंने यहाँ से हटा के ना पूरा खाली कर दिया, क्योंकि मुझे यह जगह खाली रहना ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमारे टाइगर जो बॉल खेलते हैं देखो, तो गाइस यहाँ पे खेल सकेंगे टाइगर। और गाइस चलो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे और भी सारी चीज़ जो है हम बैठ बैठ सकते हैं। और गाइस ये देखो, ये तो मामा जी का जो मतलब ये वॉशिंग मशीन था, तो मैंने इसको साइड कर दिए, एकदम बीच में था यार हॉल का, तो मैंने इसको साइड किया। और यहाँ पे कपड़ा धोने का वो स्वेटर है, और राय जी का बैग और टाइगर का बैग मैंने ऊपर ही रख दिया। और ये देखो ये वाला तो हमारा फ्रिज है, तो इसको तो रखना पड़ेगा, तो ये जगह मैंने सही लगा तो यहाँ पे रखा। और ये देखो ये जो इस साइड पे बेड था, तो इधर मैंने शिफ्ट कर दिया। और अच्छे से ये देखो पिलो विलो सब कुछ देख के मैंने थोड़ा बहुत जो है बैठने का लायक बना दिए है, ठीक है, बैठ बैठ सकते हैं यहाँ पे, टाइगर खेल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और गाइस देखो यहाँ पे तो मेरा चीज़ ही है, मैंने टूल के ऊपर रखा है। चलो इधर का दिखाती हूँ, इधर तो मामा जी का फ्रिज है ये तो। और गाइस ये डाइनिंग टेबल देखो, ये एरिया भी साफ साफ कर दिए मैंने। और चलो ये देखो डाइनिंग टेबल के नीचे ना एकदम भरपूर चीज़ था, सब हटा दिया मैंने, फेंक दिया, वो मतलब यूज़ करने का चीज़ था नहीं तो मैंने फेंक दिया। ग्लास व्लास पोंछ के एकदम अच्छे से कर दी हूँ। और ये देखो किचन कितना सफा सफा कर दी हूँ, पर नीचे का काम अभी तक मैं नहीं कर पाई, जो चीज़ नहीं लगेगा मैं सब हटा दूँगी धीरे धीरे, पर अभी जितना हो सके मतलब अभी यूज़ करने के लिए मैंने कर दिए है। देखो अभी किचन कुछ इस तरह से दिख रहा है। और गाइस चलो मैं और क्या दिखाऊंगी, वैसे तो मामा जी का रूम जो है बंद करके रखी मैंने, ठीक है, तो बस यही एरिया हम लोग यूज़ करेंगे ज़्यादातर, और यहाँ पे ही रहना है अभी, ठीक है। सो गाइस अभी चलो मैडम जी से मिलवाते हैं आप लोगों को। ये देखो प्रिया क्या कर रही है, हो क्या रहा है आज? आटा मैदा एक साथ लूची बनाना है, पूरी पूरी बनेगा, वाह क्या बात है, क्या बात है। तो घर में तो आज पूरी बन रहा है, ठीक है, तो पूरी खाएंगे। हाँ वहाँ से चले आने के बाद जो है आज प्रिया, हाँ मतलब हम लोग को तो आते आते शाम हो गया था, तो अभी जो है रात का खाना है ये, तो आज होगा पूरी। और इसके साथ क्या होगा वो सब नहीं दिखाओगी? दिखाएंगे थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है रख दो। वाह दिखाती हूँ क्या बनाऊंगी। चलो चलो
जहाँ भी रहे खान पान जो है एकदम बढ़िया रहे, बस यही तो मेंटेन करना मुझे और कुछ नहीं चाहिए, समझे ना। ये देखो गाइस क्या बना रही हूँ मैं इधर, ये तो आलू है। हाँ। आलू बॉईल नहीं मतलब आलू दम हो बेटा। अच्छा था। आलू दम आलू। हाँ अच्छा लगेगा तो खाने में। हाँ। मजा आएगा मतलब आलू दम और ये पूरी। हाँ। ठीक है ना, तो इसको बॉईल करने दिए है सबसे पहले। हाँ। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दी मैंने और यहाँ पे दिखाओ यहाँ पे क्या क्या रेडी किए हैं। अच्छा सब रेडी तो है। गाइस देखो यहाँ पे दही है, जीरा और ये सूखी हुई मिर्च और टमाटर, टमाटर है, प्याज है, अदरक है, फिर ये सब मसाला का नाम मुझे नहीं मालूम, तुम ही बोल दो। जीरा धनिया, कौन सा जीरा है इसमें? ये शायद ये धनिया है, ये जीरा है ना? ये जीरा धनिया। अच्छा। रेड चिली पाउडर और ये हल्दी नमक। ये दोनों देखने में इतना सेम है किसान में कभी कभार जो है ये हो जाते कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है तो फिर आटा मखना तो हो गया है। हाँ, पका लेते हैं। अभी जो है प्रिया को थोड़ा थोड़ा करके हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करोगे वैसे? आज सब कुछ तो मैंने काट कूट के एकदम रेडी कर लिया है जी, क्या हेल्प करेंगे बोलो। मतलब जब तुम ये पूरी इधर से मतलब खुंती से ऐसा ऐसा करोगी ना तो थोड़ा बहुत मैं भी। हाँ, तो क्या करेंगे, पहला जो पूरी बनेगा उसको उठाकर पटक से मुंह में डाल देंगे। उसके लिए वेट कर रहे हैं राजा जी, ऐसे ही करते हैं जब भी मैं कोई पूरी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो। हाँ, वो पहला वाला जो है कोई पकौड़ा भी बनाती हूँ तो मेरे राजा जी क्या करते हैं, इसे बनाती हूँ वो पटक से लेके मुंह में दे देते, इसीलिए आए हैं। हाँ, इसलिए है एक्चुअली, हेल्प तो कुछ करना नहीं है, हो गया है पूरा। मतलब अंदर की बात बता देती हूँ, मतलब किसी को बोल भी नहीं सकते कि हाँ हाँ भाई कितना काम के है, हेल्प करते हैं ये करते, कुछ नहीं बोलने देती तुम पूरा, मतलब तुमको क्या नहीं सब बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे। अच्छा ठीक है, तो गाइज बनने देते हैं, उसके बाद तो मैं टेस्ट करूंगा ही। ठीक है, और गाइज आज तो हम लोग का पहला मतलब खान पान है, तो इसे थोड़ा प्रिया यादगार बनाने के लिए, मतलब कुछ हटके बनाने के लिए, ऐसे तो चावल वावल तो हम लोग रोज ही खाते हैं, तो कुछ हटके बनाने के लिए ये मोमेंट को लूची और ये पूरी। नहीं नहीं गाइज एक्चुअली क्या है ना, दोनों थोड़ा सा इमोशनल है। ठीक है, वो तो है, तो इस बात से मतलब राजा जी को तो जानते ही यार, खाना वाना अच्छा होगा तो इसका मूड भी ठीक हो जाएगा। इसी वजह से ये आज मतलब थोड़ा सा ये ठीक है। क्या हुआ? कुछ पूरी लूची बना रहे, खा पी लो। हाँ एकदम खाएंगे, खाए जितना खाना पेट के अंदर जाएगा उतना ही जो है मेमोरी धीरे धीरे करके गायब होता रहेगा। ठीक है, तो गाइस ठीक है खान बना लेते हैं फिर, है ना। चलो दिखाते हैं आपको, सब दिखाएंगे, सब एक एक करके जितना होता है सब दिखाएंगे। ठीक है, टन टन टिन 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 टिन। निकल गया तो टमाटर दी थी ना। हाँ। तो ये छोटा हो गया, ये साइज में छोटा है शायद। हाँ, ना छोटा है, मेरा बड़ा था ना। हाँ, इसलिए तुमको अंदाज नहीं हुआ ना, ये ढक्कन थोड़ा सा ढीला लगा मुझे। अच्छा देखिए एक बार खोल के दिखाओ कितना दूर निकल रहा मेरा वाला, मैं ऐसे नहीं एक तो ढक्कन थीला हो सकता, नहीं तो तुमने ज्यादा डाल दिया है मतलब। कितना ज्यादा डाली थी, ज्यादा नहीं डाली थी, तो फिर ढक्कन का प्रॉब्लम होगा, ढक्कन में थोड़ा सा ढीला है। ठीक है, अब इसी से ही काम चलाना पड़ेगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं, चलो इसको पोंछ पास। हाँ
टाइगर यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो टाइगर? और तुम्हारा कितना टाइम लगेगा अभी? बना तो रही हूँ। सो गाइस देख सकते हो बन रहा है पूरी घर पे, ये देखो बहुत बढ़िया तो लग रहा है देखने में। और अभी तक तो ये सब हो गया है ठीक है, और साथ में और एक ये दो जगह पे रखना पड़ेगा क्या? हाँ नहीं वो फूल गया था पूरा। ओह अच्छा, मैंने क्या किया ये। और अभी भी जो ये सब बाकी है बेलने में, ये सब होगा तो हो जाएगा कंप्लीट। तो फिर मैडम जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नई जगह पे खाना बनाने के लिए। ये देखो मैं कैसे फूला फूला लूची बना रही हूँ। फूल को लूची यार आलू दो सीट कलर की मजेदार खावार। ओ माँ माँ दो फूले फूले डालो है इधर, तुम्हारे गालेर मतन फूले गए, जब हम झगड़ा करो तब तो इधर मैं गाल ताके फूला। ओफ बोल सी है। अच्छा ठीक है बनाओ बनाओ, डिस्टर्ब करो ना बाबा, बेसि डिस्टर्ब कर ले असुविधा। ये देखो गाइस मैंने तो थाली परोस दिए है, गर्मा गर्म पूरी और ये आलू दम ठीक है। तो ये देखो दोनों का थाली रेडी। और यहाँ पे हमारा टाइगर को देखो, टाइगर तुम्हारा तो खाना हो गए बम्बू, क्या हुआ बैठना है? टाइगर को बैठना है गाइस, हम लोग खाएंगे। कोथाय आशो बेड़े दिए तो हाँ खाने की बारी बाबा, खुशबू तो अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा फूला है, क्या बात है। शुरू करते फिर? हाँ शुरू करो, घर के बताओ कैसी बनी है। हाँ देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में भी स्वादिष्ट होगा, सब देखते ही मतलब मालूम पड़ जाता है लोगों। बढ़िया हुआ है एकदम, मतलब ठंडे दिन का जो आलू दम होता है ना वो हुआ है, थोड़ा कश्मीरी आलू दम टाइप का हुआ है। अच्छा ठीक है तो चलो मैं गाइस देखो रेडी तो बैठ गए हैं, और चलो आप लोग भी आओ हमारे साथ पूरी। और हम लोग तो बहुत दिनों के बाद जो है ये पूरी और आलू दम खा रहे हैं। हाँ हम लोग बनता ही नहीं। हाँ ठीक है, तुम्हारा ये दो की शेष ही तो हो गल मन हे ठीक है, तारो आरो नहीं आसछि। तो गाइस देखो पूरा तो एकदम बन के एकदम रेडी। हाँ मैं डब्बा लेके आ रही हूँ, ये देखो सारा पूरी। चलो जितना हो सके खाओ ठीक है। चलो हाँ आओ गाइस आप लोग भी हमारे साथ खाओ ठीक है। चलो अरे कितना जोर से भागा था। सो गाइस खाना पीना तो हो गया है हम लोग का, डिनर एकदम कंप्लीट, बढ़िया सा एकदम डिनर था आज, मज़ा आ गया खा के। और अभी तो मैडम बिस्तर करेगी तो ये देख सकते हो सब जो है कंबल फिर ये तकिया वकिया जो भी है सब मैडम अभी लेकर जाएगी उस रूम पे। तो चलो दिखाते हैं हम लोग कहाँ सोएंगे आज। तो देखो यही है बेडरूम हम लोगों का, टेम्पोरी बेडरूम है ना। हाँ तो घर से तो सब ये सब लेकर आए थे पिलो, तो पिलो चाहिए मुझे तो दो चाहिए। सर कहाँ साइड दोगी, मतलब इस साइड दोगी या उस साइड दोगी? नहीं इस साइड पे एक। हाँ वही दे दो ठीक है ठीक है। बिस्तर करो फिर, टाइगर का बॉर्डर बना दो, टाइगर का बनाओ बनाओ। हाँ कर दो, वो कॉर्नर में सोएगा क्या? ठीक है चलो पानी पिएगा, अभी सब पानी रखा हुआ है ना यहाँ, ठीक है करो फिर है ना। चलो समय में आ गए बाबू।
कुछ सुना है समझ में आ गया, एक कुछ बोल गया सुना। सोने का इच्छा है कि नहीं? हाँ, नहीं खेलने का इच्छा है, लेकिन खेलने का भी थोड़ा सा हाँ मन है इसको। क्या हुआ हा? देखो ना टाइगर को, टाइगर को सोना है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों को। ओ ओ टाइगर को सोना नहीं है, मुझे खेलना है। ओ ओ खेलना है, नहीं खेलेंगे तो फिर इस तभी मैं नहीं खेलूंगी। ओ बाबू होती उसको पता है, अभी सुनना है, देखो बिस्तर पे आ गए कैसे वो अपने। ये क्या सुनना है बाबू को? क्या दिख गया तुमको? दिखाओ बाबू को थोड़ा सा। दुनु 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 टाइगर दुनु टाइगर दुनु टाइगर दुनु। ऐसे क्यों देख रहे हैं? नया बिस्तर है, नया जगह है, ऐसे ही देख रहे हैं। बॉडी को कैसे ऐसे बिठा के कैसे सिटिंग पोजीशन में आ गया। हाँ बाबू नया बिस्तर। टाइगर 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 बाबा ये तुम्हारा नया बिस्तर बाबा, यहाँ पे ही सोना है अभी हम लोगों को। चलो यही सोच रहा है टाइगर। तो आ गए बिस्तर पे, बन गया बिस्तर, ठीक है। आज तो हम लोग फर्श नहीं थे इस घर पे, है ना। उसके बाद तो कंटिन्यू होगा, देखते हैं कितने दिन होता है। और अभी तो कुछ करना नहीं है, सो जाएंगे डायरेक्ट, है ना। हाँ तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ ना, तुम सोच रही हो कि ये ठंडे दिन का कितना मजा होता है यार, ब्लैंकेट के नीचे आराम से रहते हैं। गर्मी में जैसे कि मतलब थोड़ा ये हो जाता है, गैप हो जाता है गर्मी में ना, गर्मी लगती है, मतलब ऐसे ठंडे दिन में ऐसे चिपकते रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा जो शरीर का गर्म है ना, ओ अच्छा कुछ भी मत बोलो। तो गाइज मैं बस सोच रही हूँ कि मतलब आज तो फर्स्ट नाइट है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बोल रहे हो फर्स्ट नाइट, पता नहीं कब हम लोग। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं पहले भी हम तो यहाँ पे मतलब सोए, वो दूसरा कॉन्सेप्ट था। अभी जो है कंटिन्यू होगा, यहाँ पे रहेंगे ना तो एक दो दिन, एक हफ्ता ठीक था, अभी तो कंटिन्यू होगा, पता नहीं कितना दिन होगा लेकिन होगा, इसलिए ज्यादा कैसा कैसा लग रहा है ना। ठीक है, अभी गाइस नहीं मुझे बताना, तुम ऐसे चिपक रहे हो मतलब। गाइस देखो ना राय जी क्या क्या टाइगर को ना मंगा दिया। कहाँ मंगा दिया? तुम्हारे वजह से ही तो वो चला गया। देखो ना मैं उस साइड पे सोई थी टाइगर को लेके, तो राय जी भी बोले कि नहीं तुम इस इधर सो, तो मुझे जबरदस्ती इधर सुलाए हैं। और टाइगर तो राय जी को पसंद नहीं सोएंगे, तो भाग गया थोड़ा सा, उसको पकड़ के लाओ नहीं तो मैं नहीं सोऊंगी। वाह ठीक है, थोड़ी देर बाद जो है पकड़ के लाते हैं, फिलहाल तुम पकड़ के रहो मुझे। और गाइस ठीक है, आज का ब्लॉग फिर हम लोग यहीं पे खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी सोएंगे दोनों मिलके एकदम। और आप लोगों से मिलेंगे बहुत जल्द, तो नहीं बोलेंगे हम लोग, देरी देरी हो जाता है, लेकिन ट्राई करेंगे कि बहुत जल्द ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, आप सब लोग अच्छे से रहो, सबके लिए बाय बाय, गुड नाइट।